तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज एक विशेष सत्र लेकर के आए हैं, जिसका बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि इसके बारे में बताएं। तो आज हम जो लेकर के आए हैं वो है मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा प्रश्न पत्र का विभाजन। आज मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पटवारी की अभी तक हुई हैं, 2008, 2013, 2017 जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षा के प्रश्न पत्रों का क्रमबद्ध विश्लेषण मैं आज लेकर के आपके सामने आया हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि पुराने विगत वर्षों में किस चैप्टर से, किस विषय वस्तु से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किन क्षेत्रों से प्रश्न पत्रों की बनने की विशेष संभावना है। इस बात को ध्यान रखें, यह ऐसा विश्लेषण है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित विश्लेषण, इसको गहन अध्ययन इतना ही कर लिया तो सफलता मिलने की संभावना जरूर बढ़ेगी, इतना विश्वास दिलाता हूँ। और आज आपका ये समय बिल्कुल, ये मानिए कि आपकी तस्वीर बदलने वाला है। मेहनत करें, साथ में लगे रहें और एक बार इसको गहन अध्ययन करके जरूर इसको देखें। तो मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा, जैसा कि आपको मालूम है कि 100 प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र होता है और 5 खंडों में सिलेबस को बांटा गया था। सामान्य ज्ञान, जिसमें मध्य प्रदेश का और भारत का जो स्टैटिक मतलब एक स्थायी जो जीके है, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, इनमें तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। ये तीनों भारत और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछे गए हैं। अब दूसरी नंबर पे हिंदी आता है, हिंदी को भी हल्के में नहीं लेना है। हिंदी में आपका 20 प्रश्न आने हैं। संख्यात्मक क्षमता जैसे गणित के प्रश्नों के भी 20 प्रश्न आने हैं। कंप्यूटर से 20 प्रश्न आने हैं और पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 20 प्रश्न आने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर विषय का अपना अलग अलग महत्व है, समान वेटेज है, किसी को कम ना आके अगर आप किसी सब्जेक्ट में मजबूत पकड़ रखते हैं तो उसमें आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। या कोई विषय अगर हल्का सा कमजोर भी है तो भी हम उस पर किसी दूसरे विषय पे फोकस करके इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, बशर्ते सारा सिलेबस जो है क्रमबद्ध तरीके से, आप कोई भी विषय को छोड़े ना। मेरा यही कहना है, छोड़े ना। कुछ चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, जैसे आपका पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसका मैटर मिलने में, सटीक जानकारी मिलने में कुछ समस्या हो सकती है। सामान्य ज्ञान का बहुत विस्तृत क्षेत्र है, कहाँ पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक को कवर करें, और करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ा है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा समझ की ज़रूरत है। तीसरा, कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत सटीक है, इस पर आप 20 में से बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, इवन 18-19 मार्क्स भी आ सकते हैं। संख्यात्मक क्षमता की बात करें तो इससे लोग बहुत भयभीत रहते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन में इसका रोल तो होता है, लेकिन जितना कठिन हम समझते हैं उतना रोल नहीं है संख्यात्मक क्षमता। गणित में अगर आप गणित में कमजोर भी हैं और अगर आप 14 से 15 प्रश्न लाते हैं तो भी आप प्रतियोगी परीक्षा के इस कंपटीशन में सफल होने की काबिलियत रखते हैं। संख्यात्मक क्षमता में 15 से 19 के बीच में ही प्रश्न लगभग लगभग लोग हल कर पाते हैं, 1-8 प्रश्न तो छूटना स्वाभाविक है। तो गणित को लेकर के भयभीत नहीं होना है। कुछ विशेष टॉपिक्स जिन पे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को भी मैं आगे कवर करूँगा। तो मेरा ये कहना है कि इन 5 पार्ट्स में 20-20 अंक का मैंने आंतरिक विभाजन किया हुआ है कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक से अभी तक प्रश्न आए, हिंदी में कहाँ कहाँ से आए, संख्यात्मक क्षमता में कहाँ से आए, कंप्यूटर में कहाँ से आए और पंचायती राज अर्थव्यवस्था से कहाँ से आए। इस विश्लेषण को जरूर गहन अध्ययन करिएगा और अपने पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा शार्प करते हुए आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान, भारत और मध्य प्रदेश का जो स्थायी स्टैटिक जो जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर्स है, इन तीनों चीज़ों को मैं कवर करूँगा। पहला पार्ट सामान्य ज्ञान, तो चलिए सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो 2008 और 2017 तक के प्रश्न पत्रों पर आधारित यह विश्लेषण मेरा निजी विश्लेषण है। मैंने अपने प्रयास से आपके सामने आपके सफलता के लिए एक छोटा सा प्रयास किया हूँ, आपको मार्गदर्शन देने का एक छोटा सा प्रयास है, एक माध्यम है, तो इसको अपने अनुरूप आप सहज तरीके से अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो मध्य प्रदेश से जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, प्रथम व्यक्ति वो प्रथम मुख्यमंत्री हो सकते हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रथम राज्यपाल हो सकते हैं, आयोग से संबंधित प्रथम व्यक्ति, हाईकोर्ट से संबंधित प्रथम व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष से संबंधित और न्यायाधीश से संबंधित प्रथम जो व्यक्ति हैं, इनको जरूर याद रखना है। 2 पॉइंट्स आते हैं, प्रथम, अभी तक तो प्रथम ही पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा।
एक प्रश्न हर बार इस परीक्षा से आता है, एक प्रश्न हर बार आता है। बगल में मैंने प्रश्नों की संख्या भी दी रखी है, आगे मैं डिटेल भी बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। संभाग सबसे बड़ा जो दूसरा नंबर पे आता है, संभाग एवं उनसे संबंधित जिलों की संख्या एवं नाम। पहली चीज तो आपको संभाग पता होना चाहिए कितने हैं, उन टोटल कुल जिले कितने हैं, इन संभाग और जिलों में कितने कितने जिले आते हैं। किसी संभाग में 10 जिले हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 6 हैं, तो किस संभाग में कितने जिले आते हैं ये प्रश्न पूछा गया है। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया कि जैसे सागर संभाग में कौन सा जिला नहीं है, तो 3 सही देगा, 1 गलत देगा। तो मैप के द्वारा संभाग और उनके जिलों के नाम याद रखने की कोशिश जरूर करें, आना ही है। नए जिले जो बनते हैं तो नए जिले में 2 तरह के प्रश्न बनकर आए हुए हैं कि पुराना जिला कौन सा था जिससे ये टूटकर नए जिले बने और नए जिले कब बने, ठीक है, 2 चीजों पे ये प्रश्न आए हैं। हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, इस पॉइंट को भी कवर करना है। तीसरा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मंदिर और स्थान बहुत महत्वपूर्ण, हर बार एक प्रश्न यहाँ से आया, मंदिर और स्थान से 2-2 प्रश्न भी आए हुए हैं। ये मंदिर कहाँ पे है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, जैन मंदिर कहाँ पे है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर सांची कहाँ पर है, ठीक है, छोटे छोटे जो मंदिर हैं आपका दतिया में है, स्वामीनारायण मंदिर है, और जो भी इस तरह के मंदिर हैं, खजुराहो टेम्पल है, तो भूमरा का मंदिर है, तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित हैं और ऐतिहासिक महत्व वाले जो मंदिर हैं उनकी जगह का नाम जरूर याद रखें। आगे हम कवर भी कराएंगे जो अपना जीके का लेक्चर चल रहा है उसमें। इसके बाद मेले एवं आवेजन स्थल, एक प्रश्न इसमें से भी आया है, चंडी देवी का मेला, जागेश्वरी देवी का मेला, जितने भी मेले होते हैं उन मेले के बारे में एक प्रश्न आना संभावित है, आया हुआ है पिछली बार में, किसी में मंदिर स्थान 2-2 बार पूछा है, कहीं मेले 2-2 बार पूछे हैं। किले, अब अगला आता है किला। किला जितने भी फोर्ट्स हैं, पुराने फोर्ट्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक के फोर्ट्स हैं, उन किले को वो कहाँ पे स्थित हैं, स्थान का नाम जरूर पूछा गया है, 1-2 बार पूछा गया है कि किसने बनवाया था, पर सबसे महत्वपूर्ण है वो किला किस जिले में है, किस स्थान पे है। जलप्रपात से एक प्रश्न हर बार देखने को मिला है, जलप्रपात से एक प्रश्न हर बार देखने को मिला है, ये जलप्रपात कहाँ है ऐसा करके पूछा गया है। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, किस जिले किस नदी पे बना हुआ है, तो जलप्रपात को जरूर कवर करना है। राष्ट्रीय उद्यान आ गया, राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से तो कम प्रश्न आए हैं पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान से। मध्य प्रदेश में तो 1-2 जो है बांधवगढ़ और कान्हा पे प्रश्न आ चुके हैं, पेंच वगैरह पे। इसके अलावा राजजनांकी, जो डेमोग्राफिक सेंसस है, जो डेमोग्राफी है मध्य प्रदेश की, उसमें से जो 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं साक्षरता दर पर, कि मध्य प्रदेश का जो न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, अधिकतम साक्षर जिला कौन सा है, ठीक है, तो साक्षरता दर और जनसंख्या पे प्रश्न पूछे गए हैं। इसको थोड़ा सा मोटा मोटी जिलों का नाम याद रखना है, जनसंख्या दर है आपका, लिटरेसी है, लिंगानुपात है, 2-3 पॉइंट्स को जरूर कवर करना है, महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता के जिले एक प्रश्न आना है। इसके बाद जो संस्थान है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मौलाना कलाम, अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, राज्य वित्त निगम का ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये पूछी गई हैं। महारानी लक्ष्मीबाई संस्थान किस जगह पे है, ठीक, या फॉरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ पे है, हाई सिक्योरिटी लैब कहाँ पे है, तो इन संस्थान और संस्थान की जगह ये महत्वपूर्ण है, इनको हमें देखना है। कुछ पुरानी जो फैक्ट्री हैं, एल्केलाइट फैक्ट्री है, गांजा कहाँ मिलता है, अफीम कहाँ मिलता है, जो भी ट्रेडिशनल जो पुराना फैक्ट्स मिलते हैं मध्य प्रदेश के कि ये फैक्ट्री और उनका स्थान, ठीक है, तो ऐतिहासिक और समसामयिक व्यक्तित्व, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से भी एक प्रश्न हर बार एक बार लेके आते हैं ये। ऐतिहासिक मतलब भीमा नायक हो गया, टांट्या भील हो गया, आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, मध्य प्रदेश से जुड़े जो भी व्यक्तित्व हैं ऐतिहासिक और तत्कालीन अभी के भी, अगर कोई किसी को नोबल प्राइज़ मिला है जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं, उनको नोबल प्राइज़ मिला तो वो कहाँ के रहने वाले थे ये पूछा गया, ठीक है, नामधारी सिंह दिनकर जी का भी नाम आता है। इस तरह से मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जो नाम बड़े बड़े सुने जाते हैं, वो किस जगह से हैं ये प्रश्न पूछे गए हैं। बांध, नदी एवं शहर, इनमें से भी प्रश्न हर बार लगभग आया है, ये डैम किस नदी पर है, ये डैम किस स्थान पर है, नदी और शहर से भी 1-1, 2-2 प्रश्न आए हैं, बेतवा नदी के किनारे कौन सा है, इन दोनों उज्जैन किस नदी के किनारे है, इंदौर से कौन सी नदी बहती है,
तो शहर और नदी इसका जो वो है ये जरूर हमें ध्यान में रखना है। तो इस पूरे प्रक्रम में मध्य प्रदेश से इससे 3 से 5 प्रश्न आने ही आने हैं। अभी तक मैं बता चुका हूँ, देखिए आपको एक प्रश्न मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तित्व से, संभाग और जिले से एक प्रश्न, 3 से 5 प्रश्न मध्य प्रदेश के जो मंदिर हैं, मेले हैं, किले हैं, जलप्रपात हैं, संस्थान हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, बांध है, नदी है और शहर हैं, इनसे आए हुए हैं। ये संभावित नहीं बता रहा हूँ, इनसे प्रश्न आए हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय परिपेक्ष की बात करेंगे। हर बार एक नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य भारत का है, जो टाइगर रिजर्व हो या वन्य जीव अभयारण्य हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, ये प्रश्न आया गया है। प्रदेश से बाहर का डेटा है, भारत के परिपेक्ष में है, तो राष्ट्रीय उद्यान को हम जब कवर करेंगे राष्ट्रीय परिपेक्ष में, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। विज्ञान में अभी तक 3 तरह के प्रश्न आए हुए हैं, विटामिन से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, ग्लैंड से संबंधित प्रश्न, ग्रंथियों से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, और एक आध बार हार्मोन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, दांतों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, टीथ काटने वाले टीथ कौन से होते हैं, मोलर, कैप्री मोलर, कृतनख, रदनक जो भी होते हैं, अग्रचवर्णक, शवर्णक, इन दांतों के क्या काम है, सिर्फ ये पूछा गया। बहुत साधारण से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन कवर करना जरूरी है। विज्ञान से देखिए, जैसा कि एक प्रश्न आया है, हर बार एक प्रश्न आया है। आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान की बात करें, नेशनल लेवल पे हम जीके की बात करते हैं, तो जो स्टैटिक जीके है, भारत में प्रथम, भारत में प्रथम जो भी व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं, संस्थान हैं, आईआईटी सबसे पहला कब बना, सबसे पहला आईआईएम कब बना, आप इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहली मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन रही महिला में, प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे, प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे, ठीक है। तो भारत के परिपेक्ष में प्रथम इस पे प्रश्न आए हुए हैं। संगठन या म्यूजियम के नाम कि जैसे कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है, वो कहाँ पे है, इंडिया गेट कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, चार मीनार कहाँ पे है, गोलकुंडा कहाँ पे, इस तरह के प्रश्न जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान, धरोहर, संगठन, म्यूजियम, इनमें से 2 से 4 प्रश्न, इसी जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट, इनमें से 4 प्रश्न तक पूछे गए हैं। खेल व्यक्तित्व, करंट खेल व्यक्तित्व, अगर किसी ने अभी करंट में कोई ओलंपिक जीता है, करंट का मतलब 2-3 साल भी हो सकता है, ओलंपिक तो रोज होना नहीं है, तो ओलंपिक में है आपका, एशियन गेम्स में है, या कोई महिला जो भारत में पहली बार कोई पदक पाई है किसी चीज़ में, इन चीज़ों को, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 नाम होते हैं, इनको देखना है। एक प्रश्न इनमें से आया है। उपनाम भी पूछा गया है कभी कभी खिलाड़ियों के, कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, जैसे नवाब तो अली नवाब थे अपने भोपाल के, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे लिटिल मास्टर है, सचिन तेंदुलकर है ना, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो इसको नेशनल लेवल पे जैसे पीटी उषा को क्या बोलते हैं, इस तरह से जो भी निक नेम्स हैं उनको याद रखना है। युद्ध और उनके जो कोडिंग वर्ड्स होते थे, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन फतेह, कारगिल युद्ध को ये कहा गया, स्माइलिंग बुद्धा जो टेस्ट हुआ था, तो इसका कुल मिला एटॉमिक, कुल मिला के ये कहने का है कि जो भी युद्ध और उनसे संबंधित कोई अगर कोड है या उपनाम है या उसको कुछ और गोपनीय नाम दिया गया था, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। कारगिल, जैसे कारगिल युद्ध के बारे में पूछा गया है ना, स्माइलिंग बुद्धा के बारे में पूछा गया, इस तरह से जो उपनाम है, ऑपरेशन विजय पूछ सकते हैं, ठीक। अभी जैसे भारतीयों को कोविड में लाया गया था, तो ऑपरेशन पहल है जैसे कुछ चीज़ें, तो ये जो शब्द हैं ऑपरेशन संबंधित, इनमें से पूछे गए हैं। और इन्हीं में से आधुनिक भारत के इतिहास का घटनाक्रम, जो मोटा मोटा घटनाक्रम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी, मुस्लिम लीग कब बनी, सूरत विभाजन कब हुआ, मॉन्टेमोरलो सुधार कब हुआ था, ठीक है, चेम्सफोर्ड का जो वो था, साइमन कमीशन कब भारत में आया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट जो जिसको कहते हैं, तो कुल मिला के जो ऐतिहासिक परिपेक्ष की घटना थी उनके बारे में, जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, वीर सावरकर ने क्या कहा था, कहाँ से शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, ठीक है। तो जो इस तरह के प्रश्न हैं, जो आधुनिक इतिहास के घटनाक्रम के जो प्रश्न हैं, वो जरूर इसमें सिर्फ नाम और सन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि कब हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, वायसराय 1-2 जो इम्पोर्टेंट हैं, लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछ सकता है, या आपका जैसे कि इधर चले आएंगे तो आज़ादी के समय कौन था, सिराज गोपालाचारी है, माउंट बेटन के बारे में,
इटली के बारे में है, ये चीज़ें जो है, अगस्त प्रस्ताव कब दिया गया था, किसने दिया था, तो छोटे छोटे नाम हैं ये आपको कवर कर लेने, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पन्ने का, 3 पेज का ये सिलेबस है, इसको कवर करना है। खेल इवेंट्स, आईपीएल हो गया, आईसीएल हो गया, फुटबॉल लीग हो गया, कबड्डी लीग हो गया, आईपीएल हो गया, इसमें रिसेंट अभी जो हुआ है वो कहाँ हुआ था, कौन जीता, और अगर आपको याद रखना है तो इसका जो क्या कह सकते हैं कि प्रपोजर या कवरेज जो करते हैं, स्पॉन्सरशिप है ना, रिलायंस के पास थी या वीवो के पास थी या किसके पास थी, 2-3 चीज़ें जो अभी रिसेंटली अभी हो रही हों या हुई हों उनको गौर कर लेना है, ठीक है। 4 प्रश्न इससे आए हुए हैं, हर बार आए हुए हैं, ठीक है। अब स्पेस और सेटेलाइट परमाणविक संस्थान, जी हाँ, स्पेस से सेटेलाइट से पहला सेटेलाइट कौन सा था, कौन व्यक्ति गया था पहली बार, ठीक है, जैसे राकेश शर्मा गए थे वहाँ चांद में, और आपका कल्पना चावला कौन सी फ्लाई उस सेटेलाइट से गई थी, वह प्रथम उपलब्धियाँ इनकी, इनसेट अपना पहला कौन सा था, ठीक है, आर्यभट्ट हो गया। वैज्ञानिकों के नाम और योगदान की, मिसाइल मैन किसको कहते हैं, होमी जहांगीर भाभा थे, उनका क्या योगदान था, किस फील्ड में उनको नोबल मिला था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो वैज्ञानिक और उनके योगदान और उनका उनको कोई बड़ा अवार्ड मिला हो तो उसको याद रखना है, ठीक। नोबल, भारत संबंधित जो नोबल मैंने कहा ना, व्यक्ति और उसको किस विषय में नोबल मिला है अभी रिसेंटली या ऐतिहासिक, 5-7 लोगों को तो मिला है, ये 5-6 लोगों, तो उसको ध्यान दे लेना है बस कि किस क्षेत्र में मिला है और नाम क्या था। राजनीति में अगर बात करें तो संविधान, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा से हर बार प्रश्न पूछे गए, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, पहली संविधान सभा कब हुई, पहला मंत्रिमंडल कब बना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये गिने चुने 20-30 पॉइंट हैं, इन्हीं में से एक प्रश्न आ जाना है। मुख्य अनुच्छेद जो 42वां और आपका 44वां संशोधन था उससे प्रश्न आ जाते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ा गया, ठीक है, ये मूल कर्तव्य कहाँ जुड़े, कब जुड़े, तो इस तरह से कौन से संविधान के भाग, और मोटी मोटा जो राष्ट्रपति शासन कौन से संविधान पे लगता है, 360 क्या है, 358 क्या है, 365 है, मतलब मोटा मोटी चीज़ें हैं। लोक सेवा आयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, राज्य सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, इससे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। राजनीतिक दल, कौन सा दल कब बना, बीजेपी कब बनी, कांग्रेस कब बनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब बना, या जो संगठन है, ट्रेड यूनियंस हैं 5-6 वो कब बने, मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन ऑफ है ना, इंटक है, ये इनके बनने के सन और स्थापना वर्ष, इसमें से प्रश्न आए हैं। पुस्तकें और लेखक, जो तत्कालीन जो अभी कुछ अगर चर्चा में कोई किताब रही हो उसका लेखक, या बहुत ऐतिहासिक महत्व के जैसे कि भारत एक खोज है, जवाहरलाल नेहरू की है, सचिन तेंदुलकर ने बुक लिखी एक, महात्मा गांधी ने द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस तरह की जो किताबें हैं, जो नामचीन किताबें हैं उनके बारे में, और तत्कालीन अगर कोई चर्चा में है तो उसके बारे में, पूरी किताबों की लिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, वो याद हो पाएंगे, ठीक है। जो पुरानी कुछ गिनी चुनी 8-10 किताबें हैं, 15 किताबें, और अगर तत्कालीन 1-2 किताबें कोई निकल के आती हैं, कोई संवैधानिक अमेंडमेंट अगर हुआ हो, संविधान में अगर कोई संशोधन हुआ हो रिसेंटली, जैसे कि EWS का रिजर्वेशन है, OBC के बारे में, जो भी इस तरह के जो अभी 2-4-5 हुए हैं अमेंडमेंट, उनको याद रखना है कि कौन से नंबर पर क्या हुआ था। मध्य प्रदेश का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और व्यक्तित्व, तो जो भीमा नायक थे, टांटा भील थे, ठीक है, जो पुराने इस तरह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे यहाँ के, द्वारका प्रसाद मिश्र हो गए, कैलाशनाथ काटजू, जो इस तरह के लोग थे, शंकर दयाल शर्मा के बारे में आप जानिए, जो नए व्यक्तित्व हैं। इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, कि विभाजन कहाँ से हुआ था, पहले ये संयुक्त प्रांत के साथ था, इसकी राजधानी कहाँ थी, इंदौर भी एक समय राजधानी रही है ग्रीष्मकालीन, तो वो कब रही है, फिर इसके बाद भोपाल जब राजधानी बनी तो किस जिले में थी, वो सीहोर जिला का पार्ट था। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में, तो व्यक्तित्व में यही है, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में आपको हम बता ही दिए कि सिंधिया परिवार कहाँ था, होलकर परिवार कहाँ थे, मराठा परिवार हैं, इनमें से जो इनके स्थापक थे वो कौन थे, ठीक है ना, जो मुख्य राजवंश हैं यहाँ पे, उनके मुख्य स्थापक 5-7 राजवंश थे, कलचुरी कहाँ पे थे, चंदेल कहाँ पे थे, ये चीज़ें, और इनके संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम के जो व्यक्तित्व थे, रानी लक्ष्मीबाई, गिरधारी बाई, ये रामगढ़ की रानी, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको कवर करना ज़रूरी है। इसमें से, इस पूरे चैप्टर से आप ये देख लीजिए कि स्पेस से एक हो गया, नोबल से एक हो गया, राजनीति या अनुच्छेद से एक हो गया, राजनीतिक दल से एक प्रश्न हो गया, पुस्तक लेखक से एक प्रश्न हो गया, अमेंडमेंट जो संवैधानिक है उससे एक प्रश्न हो गया, और मध्य प्रदेश का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, व्यक्तित्व से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसको कवर करते समय हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा हुआ है कि जो प्रश्न आए हुए हैं
उन क्षेत्रों को हमने बताया है। आपका काम अब यह होना चाहिए कि इसको नोट करें, ध्यान से देखें और इसी सिलेबस के बेस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेमिंग है एक तरह से, ऑलरेडी फ्रेम्ड है, इसी स्ट्रक्चर पे फिट करते हुए प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। जैसे एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तित्व जो भी हों, संभाग और जिले हों, मंदिर स्थान, मेले, किले, जलप्रपात, नदी और शहर, बांध और फैक्ट्री, लोकेशन, संस्थान, इनसे प्रश्न आए हैं, पांच पांच प्रश्न तक आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको कवर कर लेना है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हर बार एक पूछा गया है, तो आप 20-25 राष्ट्रीय उद्यान के नाम और उनके प्रदेशों के नाम याद करना है, सारे तो याद हो नहीं सकते हैं। विज्ञान में विटामिन, ग्रंथि और हार्मोन, ये फ्री के नंबर हैं एक तरह से, इनको अगर आप 4-6 घंटे भी दे देंगे इस सब्जेक्ट को तो ये एरिया कवर हो जाएगा, एक क्वेश्चन सॉलिड हो जाएगा। राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान में स्टैटिक पोर्शन है, भारत में प्रथम, चाहे वो जो चीज़ हो, जो भी प्रथम है, प्रथम नेता, प्रथम व्यक्तित्व, प्रथम सैटेलाइट, प्रथम संस्थान, IIT प्रथम, IIM प्रथम, ठीक है, इंग्लिश चैनल को पाल करने वाले प्रथम, जो भी प्रथम थे राष्ट्रीय, उसमें ये ध्यान रखना है। आधुनिक भारत के इतिहास को हमें ध्यान रखना, मैंने बताया था कि 1895 राष्ट्रीय कांग्रेस बनने से लेकर के मुस्लिम लीग, सूरत अधिवेशन, आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना, अहमदाबाद मिल ट्रेड यूनियन का जो वोट हुआ था, इसके बाद और आगे आप बढ़ते जाइए तो भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट है, साइमन कमीशन है, कैबिनेट मिशन है, इन सब चीज़ों को, मॉन्टेमिले सुधार है, चेम्सफोर्ड का जो वो था, हंटर आयोग कब बना, और इसको आगे ले जाते हुए माउंट बेटन, सी राजगोपालाचारी से जो क्वेश्चन, जो पॉइंट्स बनते हैं कि कब कहाँ क्या हुआ, मुख्य घटनाएं थी और इनमें से प्रश्न आए हुए हैं, इनको कवर कर लेना है। युद्ध और उनके उपनाम बता चुका हूँ, जैसे ऑपरेशन विजय है, कारगिल, स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित था, इस तरह से 8-10 नाम है, उनको कवर कर लेना है। संगठन, म्यूजियम और स्थान, ये बार बार पूछा गया, कौन से इंस्टीट्यूट, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों को याद कर लेना। ऐतिहासिक धरोहर स्थान कौन सा, कहाँ गोलकुंडा, कहाँ सांची, कहाँ है, ठीक है ना, भूमरा का किला कहाँ है, ये चीज़ें आनी आनी है, इसको हमें कवर। खेल में व्यक्तित्व जो है, अभी प्रथम खेल ओलंपिक चैंपियन कौन था, कोई महिला हुई हो अगर रिसेंटली में, तो उसको ध्यान देना है। करंट खेल, खेल में करंट से संबंधित व्यक्ति ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या स्टैटिक जीके में कि भाई ओलंपिक हो गया या एशियन गेम या वर्ल्ड चैंपियन में अगर कोई प्रथम, पहली बार अगर चमत्कार कोई हो रहा है देश में तो वो है ना। स्पेस सेटेलाइट, परमाणविक संस्थान, कौन सा संस्थान कहाँ, कौन सा वैज्ञानिक नोबल मिला था, क्या मिला था, उसको करके 1-2 प्रश्न आने आने हैं। राजनीति में संविधान और अनुच्छेद, मोटा मोटी जो 10-15 संविधान अनुच्छेद हैं, और संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है और मंत्रिमंडल बनने तक की जो 3-4 पन्ने की समरी है, उसको देख लेना है। राजनीतिक दल, BJP है, RSS है, आपका मजदूर संघ है, ये संगठन, ट्रेड इंटर, ट्रेड यूनियन जो भी हैं, कब इसकी स्थापना किस में ही, ये 12-14 है, इनको याद करना है। पुस्तकें और लेखक जो करंट में चर्चा में हो या बहुत पुराने व्यक्तित्व के, जैसे माई एक्सपेरिमेंट, गांधी जी की भारत खोज, ये इनकी जब जवाहरलाल नेहरू जी की थी, या करंट में कोई चर्चा में हो, इसको पूरी लिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक एक्ट अमेंडमेंट 2-4-5 होते हैं हर साल, 2 साल में, उनको एक देख लेना है कौन सा कब हुआ था। मध्य प्रदेश का इतिहास, की संयुक्त प्रांत के साथ राजधानी कहाँ थी, कितना वो था, और स्वतंत्रता के बाद कौन से व्यक्तित्व हैं, टांटा भील है, भीमा नायक है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो मध्य प्रदेश से जुड़े किशोरदा हैं, इन मध्य प्रदेश से जुड़े जो व्यक्तित्व हैं, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ है, ये पूछा जाता है। लक्ष्मी बाई, गिरधारी बाई, ठीक है, रामगढ़ की रानी, ठीक, ये जो इतिहास है, बुंदेला हो गया, चंदेल हो गया, होलकर हो गया, सिंधिया हो गया, बस इतना थोड़ा थोड़ा चीज़ें कवर करनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत काम का होगा और इसमें जो है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ, थैंक यू वेरी मच।